हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस 3D विजुअल एनिमेशन के हेल्प से अलग अलग टाइप के गियर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले है ये एक नंबर स्प्रॉकेट गियर। स्प्रॉकेट गियर का यूज चेन और बेल्ट के साथ किया जाता है। आप एनिमेशन में देख रहे हो कि स्प्रॉकेट गियर का यूज चेन के साथ किया गया है। बाइसाइकिल वगैरह में इसका यूज किया जाता है। मोस्टली इनका यूज कन्वेयर सिस्टम में किया जाता है। देन जो हमारे पास अगला है वो है ये दो नंबर, और ये है फेस गियर। ये रहा वो फेस गियर। फेस गियर एक सर्कुलर डिस्क होता है जिसके साइड्स में रिंग ऑफ टीथ कटे होते हैं। फेस गियर यूजुअली सर्कुलर मोशन में राइट एंगल्स पे पावर ट्रांसमिट करता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में फेस गियर का यूज उतना ज्यादा नहीं किया जाता है। देन जो अगला है ये है, और इसमें ये जो अंदर का आप देख रहे हो गियर वो है प्लानिटरी गियर। इस तरह के गियर का यूज ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ड्राइव व्हील्स को हाई टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। प्लानिटरी गियर रोटेट करता है रिंग गियर के अंदर में और अपने साथ गियर हेड के आउटपुट शाफ्ट को रोटेट करता है। अब हम लोग इसके एडवांटेज की बात करते हैं, तो इससे हम लोगों को हाई एफिशिएंसी, लो बैकलैश और हाई टॉर्क टू वेट रेशियो मिलता है। इसके अलावा इसका साइज भी कॉम्पैक्ट होता है। आप देख रहे हो इसका साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अब हम इसको डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो इसका ये जो कॉम्प्लेक्स होता है गियर और इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। चलिए अब बात करते हैं इस वाले गियर की, और ये है रैक एंड पिनियन। ये नीचे वाले पार्ट को हम रैक कहते हैं और ये जो गियर दिख रहा है ये है पिनियन। पिनियन को रैक के साथ मेश करके टॉर्क को लीनियर फोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। पिनियन टर्न करता है और रैक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इस मैकेनिज्म को ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है स्टीयरिंग व्हील के रोटेशन को टाई रॉड के लेफ्ट टू राइट मोशन में कन्वर्ट करने के लिए रैक एंड पिनियन का यूज किया जाता है। देन फ्रेंड्स अगला हमारे पास ये फिफ्थ नंबर, और ये है वॉर्म गियर। वॉर्म गियर नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में राइट एंगल पे पावर ट्रांसमिट करता है। वॉर्म गियर थ्रस्ट लोड प्रोड्यूस करता है और जिन एप्लीकेशन में हाई शॉक लोड प्रोड्यूस होता है वहां पे इसका यूज बेनिफिशियल होता है। लेकिन बाकी गियर्स के मुकाबले इसका एफिशिएंसी कम होता है और इस वजह से लोअर हॉर्स पावर एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। देन अगला हमारे पास वो है ये बेवल गियर। ये हमारे पास बेवल गियर। बेवल गियर का यूज पावर ट्रांसमिट करने के लिए 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट होने वाले शाफ्ट्स में किया जाता है। इनका यूज वैसे एप्लीकेशन में भी किया जाता है जहां पे राइट एंगल गियर ड्राइव का जरूरत होता है। बेवल गियर्स बहुत कॉस्टली होते हैं और पैरेलल शाफ्ट अरेंजमेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा टॉर्क भी ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। देन फ्रेंड्स अगला हमारे पास है वो ये सेवन नंबर, और ये है ये हमारे पास स्पाइरल बेवल गियर। इनका ऑपरेशन क्वाइटर होता है, मींस ये कम नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। और स्ट्रेट बेवल गियर्स के मुकाबले जो स्पाइरल बेवल गियर्स होते हैं कैन टेक अप मोर लोड्स। देन जो अगला है वो आठ नंबर, और ये रहा वो हैरिंग बोन गियर। तो जो हैरिंग बोन गियर डबल हेलिकल गियर की तरह दिखते हैं, ठीक है, मैं साइड से पर दिखाता हूं उसको आपको। तो ये देखने से लगता है कि डबल हेलिकल गियर हेलिकल वैसा है नहीं, और लेकिन इनमें हेलिकल फेसेस गैप नहीं होता है। ये देखिए आप ज़ूम करके दिखाता हूँ, ये जो हेलिकल फेसेस है इसमें गैप नहीं है, जबकि डबल हेलिकल गियर में यहाँ पे गैप होता है। ओके, हैरिंग बोन गियर हेलिकल गियर के मुकाबले स्मॉलर होते हैं और आइडियल होते हैं हाई शॉक और वाइब्रेशन ऑपरेशन के लिए। हैरिंग बोन का यूज हाई कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज की वजह से ज्यादा नहीं किया जाता है इस गियर का यूज। देन जो अगला हमारे पास फ्रेंड वो ये है, ये हेलिकल गियर। इसका मैं एक बार साइड व्यू दिखाता हूँ आपको, ठीक है, आप देख पा रहे हो ये साइड व्यू हेलिकल गियर का। तो हेलिकल गियर में यूज होने वाला टीथ शाफ्ट के साथ एक एंगल पे ओरिएंटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो शाफ्ट लगता है और इसका जो टीथ है वो एक एंगल पे ओरिएंटेड होता है, वो पैरेलल नहीं होता है। इस एंगल की वजह से
ऑपरेशन के वक्त एक से ज्यादा टूथ कॉन्टैक्ट में होते हैं और हेलिकल गियर स्पर गियर के मुकाबले ज्यादा लोड कैरी कर सकता है, इसका ऑपरेशन स्मूदर और क्वाइटर होता है। देन आखिरी हमारे पास है ये, तो ये है हमारे पास स्पर गियर, इसका मैं साइड व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, स्पर गियर का साइड व्यू ये है। तो स्पर गियर्स शाफ्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिट करता है और स्पर गियर के टीथ इस शाफ्ट के एक्सिस के साथ पैरेलल होते हैं। यहाँ पे जो शाफ्ट लगा रहता है उसके एक्सिस के साथ ये इसके जो टीथ है स्पर गियर के वो पैरेलल होते हैं। इस वजह से गियर शाफ्ट पे रेडियल रिएक्शन लोड प्रोड्यूस करता है। स्पर गियर्स हेलिकल गियर के मुकाबले नॉइजी होते हैं क्योंकि ये ऑपरेट करते हैं विथ अ सिंगल लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टीथ, इसलिए ये ज़्यादा नॉइजी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे अलग अलग 10 टाइप के गियर्स, मैंने एक एक करके इन सब के बारे में बताया एंड आई होप आप ये समझ गए होंगे। और अगले बार जब आप इस तरह किसी भी गियर को देखें तो आप पहचान जाओगे कि कौन सा गियर है और उसका ऑपरेशन क्या होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपना फीडबैक मुझे कॉमेंट में जाकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह के वीडियोज़ मेरे चैनल पर चाहते हो। और अगर अभी आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आप इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू, गुड बाय।